जैन महापुरुष। महापुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास ना बनकर आत्मालंबी हो, अपने रत्नात्रय धर्म को उज्ज्वल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, वर्धमान अर्थात निरंतर बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, वो कहलाते हैं वर्धमान। उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कितने होते हैं? तो महापुरुष 169 169 महापुरुष होते हैं। आइए देखते कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की पिता, 24 तीर्थंकरों की माता, 12 चक्रवर्ती और 9 बलभद्र, 9 वसुदेव जिन्हें नारायण कहते हैं उन्हें वासुदेव भी कहते हैं, और 9 प्रतिवासुदेव जिन्हें प्रति नारायण कहते हैं, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। ये सब मिलकर 169 महापुरुष होते हैं। इनमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिम नारायण, ये मिलकर 63 सलाका पुरुष कहलाते हैं। सलाका पुरुष अर्थात विशेष पुरुष जो होते हैं वह इनमें से ही निकलते हैं। आइए अब हम इनमें से एक एक महापुरुष के विषय में कुछ सामान्य जानकारी रखें जिससे कि हम स्वयं महान बन सकें। आइए देखते कुलकर, ये कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का होता है। जैसे ही भोग भूमि का अंत होता है और फिर कर्म भूमि प्रारंभ होती है। मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं। वे जब भोग भूमि का अंत होता है तो कल्प वृक्ष आदि समाप्त तो हो जाते हैं, लोगों को जीवन जीने का तरीका समझ नहीं आता, तब ये कुलकर सारी व्यवस्थाएं बनाकर उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया ऐसे करने से व्यवस्थित होती है। तो सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के कारण कुल अर्थात मानव रूपी कुल को व्यवस्थित करने के कारण कुलकर कहलाते हैं। कुल को करने वाले, इन्हें प्रजापति भी कहते हैं, इन्हें मनु भी कहते हैं, क्योंकि ये मानवों को व्यवस्थित करते हैं इसलिए ये मनु भी कहलाते हैं। तो ये अलग अलग शब्द इनके लिए मिलते हैं। ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का है। वैदिक परंपरा में मनु होते हैं, वे एक प्रकार से उनके यहाँ भगवान के वे अवतार माने जाते हैं और वे इस यहाँ से सृष्टि पर विचरण करते हुए धर्म का संरक्षण, धर्म को उत्थान का काम करते हैं, मानव समाज को जीने के लिए मार्ग दिखलाते हैं। तीर्थंकर, यहाँ पर 14 हमारे महापुरुष हुए, उनमें ही जो अंतिम कुलकर होते हैं उन अंतिम कुलकर से पहले तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। आइए देखते हैं। जो धर्म तीर्थ धर्म परंपरा में आई मलिनता और विकृतियों का नाश कर धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं, ऐसे ही जगत उद्धारक तीर्थंकर कहलाते हैं। ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं और मानव जाति को दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग बतलाकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। तीर्थंकर धर्म को बनाते नहीं हैं, अपितु जो अनादिकाल से धर्म चला आ रहा है, जो सनातन है, शाश्वत है,
ऐसे पवित्र शासन का उपदेश उनको देते, उन्हें समझाते हैं कि देखो यही भगवान के वचन हैं, ये अनादिकाल से इसी रूप में चले आ रहे हैं, आपको भी इन्हीं के माध्यम से चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये उपदेश उनके माध्यम से होता है। इसलिए तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, तीर्थ को जो करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर आप जानते हैं 24 होते हैं और प्रायःकर सब लोग उन 24 तीर्थंकर के नाम भी जानते हैं, याद भी बहुत सारे लोगों ने करते हैं। सबको उनका नाम याद करना है और प्रतिदिन उनके नाम को एक बार किसी भी रूप में जपना है, क्योंकि उनका नाम मात्र लेने से भी महान पुण्य का संचय होता है। इसलिए उनका नाम अवश्य ही अपने मुख से दिन में एक बार जरूर जपें। अगला चक्रवर्ती, जो 6 खंडों के अधिपति होते हैं, जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज होता है, पृथ्वी तल के समस्त मानवों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण इन्हें नरेंद्र भी कहते हैं। नरः इंद्रः नरेंद्रः, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होते हैं, मनुष्यों के जो इंद्र होते हैं वे नरेंद्र कहलाते हैं। तो ये चक्रवर्ती होते हैं, ये सारे के सारे मानवों में सर्वश्रेष्ठ भोग, सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति के अधिकारी होते हैं, इसलिए ये नरेंद्र कहलाते हैं। चक्रवर्ती के पास वैभव अतुलनीय होता है, अतुलनीय मतलब काउंटलेस, इतना वैभव उनके पास होता है। यह 14 रत्नों के, 9 निधियों के, 7 प्रकार की सेना के, पृथक विक्रिया के तथा 32,000 मुकुटवत राजाओं के स्वामी होते हैं। इनकी पटरानी सहित 96,000 रानियां होती हैं और 3,50,000 पारिवारिक जन होते हैं, इतना उनका वैभव होता है। 9 निधि, 7 प्रकार की सेना और 84,00,000 हाथी, 1,00,00,000 घोड़े, इस प्रकार उनके बहुत विशाल वैभव होता है। पृथक विक्रिया के भी स्वामी होते हैं, वे अपने शरीर से अनेकों शरीर बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। बलदेव, ये नारायण के भ्राता होते हैं और उनसे प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं। ये अतुल पराक्रम के धनी, अतिशय रूपवान और यशस्वी होते हैं। इनकी 8,000 रानियां होती हैं तथा ये 5 रत्नों के स्वामी होते हैं। ये बलभद्र, बलदेव, इनको बलभद्र भी कहते हैं, जो श्री राम के भाई भी थे। श्री राम वह भी बलभद्र थे, बलदेव थे, इस प्रकार ये होते हैं। इनको बलभद्र भी बोलते हैं, बलदेव भी बोलते हैं। इसके बाद 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये दोनों समकालीन होते हैं। समकालीन मतलब एक साथ उत्पन्न होते हैं। इन तीनों की जोड़ी है, बलदेव और नारायण दोनों सगे भाई या चाचा, बड़े पापा, इस प्रकार के भाई होंगे एक ही परिवार में, और नारायण उनका, प्रतिनारायण उनका दुश्मन होगा, इस प्रकार इनका क्रम होता है। पूर्व भव में निदान से तपश्चरण कर स्वर्ग में देव होते हैं और वहाँ से च्युत अर्थात वहाँ से छूट कर वसुदेव और प्रतिवसुदेव, नारायण और प्रतिनारायण बनते हैं। दोनों अर्धचक्रवर्ती होते हैं, अर्धचक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है, ये 3 खंडों के राजा होते हैं। इनकी 16,000 रानियां होती हैं। प्रतिनारायण प्रायः विद्याधर होते हैं और नारायण भूमि गोचरी होते हैं। भूमि गोचरी हमारी तरह सामान्य मनुष्य जो जमीन पर चलते हैं, और विद्याधर जो विशेष विद्याओं के बल से विमानों में आकाश में घूमते हैं वो कहलाते हैं विद्याधर। ये दोनों में अंतर होता है। तो रावण जो था वो विद्याधर था, उसके पास अनेक विद्याएं थी, विमान थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो नारायण थे, वे सामान्य से जमीन पर चला करते थे, इसलिए उनको भूमि गोचरी कहा। इनका आपस में जन्म जात बैर होता है, जन्म से ही बैरी होते हैं, आपस में से एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इनमें किसी निमित्त से युद्ध होता है जिसमें नारायण के द्वारा प्रतिनारायण मारा जाता है। ये दोनों निकट भव्य होते हैं,
परंतु अनुबद्ध वैर के कारण नरक में जाते हैं। पहले से बने हुए वैर के कारण इस भाव में तो ये नरक जाएंगे, लेकिन कालांतर में आगे ये स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नियम से कुछ भावों में मोक्ष जाएंगे। नारद, ये नारायण और प्रतिनारायण के काल में होते ये अत्यंत कौतूहली और कलह प्रिय होते। कौतूहली मतलब जिज्ञासाएं करना या हंसी मजाक करना, इस प्रकार के काम ये लोग करते हैं। कलह प्रिय, इनको आपस में एक दूसरे की बातों को बतलाकर विवाद करने में मजा आता है। नारायण और प्रतिनारायण को आपस में लड़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ये ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है। राज्य में रहकर भी ऋषि के जैसे होते हैं ये सारे राजभवन में बेरोक टोक के जाते आते रहते हैं। किन्हीं के भी महलों में प्रवेश कर जाते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये निकट भक्त होते हैं परंतु कलह प्रियता के कारण नरक में जाते हैं। रुद्र, ये सभी अधर्मपूर्ण व्यवहार में संलग्न होकर रौद्र कर्म करते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। रौद्र कर्म मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन कार्यों में आनंद मनाना। ये कुमार अवस्था में जिन दीक्षा धारण कर कठोर तपस्या करते हैं उसके फलस्वरूप उन्हें अंगों का ज्ञान हो जाता है, परंतु दसवीं विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के अधीन होकर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। संयम और सम्यक से पतित होने के कारण सभी रुद्र नरकगामी ही होते हैं। तिल्लोय पण्णति के अनुसार रुद्रों और नारद की उत्पत्ति हुंडा और शर्पणी काल में ही होती है। कामदेव, प्रत्येक कालचक्र के दुष्मा सुषमा काल में 24 कामदेव होते हैं। ये सभी अद्वितीय रूप और लावण्य की धनी होते हैं। अत्यंत सुंदर, मतलब जब इनका जन्म होता है उस काल में, उस समय में इनसे सुंदर कोई नहीं होता। इतनी सुंदर ये होते हैं, जैसे बाहुबली स्वामी, प्रद्युम्न कुमार, वसुदेव, इस प्रकार ये नारायण, ये कामदेव थे। इनमें से कुलकर मरकर स्वर्ग जाते हैं। आगे नियम सह अगले भवों में शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर नियम से मोक्ष ही जाते हैं। चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। बलदेव नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं और नारायण प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं। और नारद और रुद्र के विषय में भी नियम से नरक जाते, किन्हीं प्रमाणों के अनुसार स्वर्ग में भी इनकी उत्पत्ति संभव है। ऐसे ही कामदेव ये भी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये नारायण महापुरुषों के विषय में हमने जाना। ये सब महापुरुष हम सबका मंगल करें और शीघ्र ही सब जीव संसार समुद्र से पार कर अपनी अनंत योग्यताओं को स्मरण कर इस संसार समुद्र से पार हो, इस पवित्र भावना के साथ अनंतों बार नमोस्तु करते हुए हे भगवान, हे श्री जिनेन्द्र, आपके दिव्य चरणों में अनंत सा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।